अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे रैबिट को ट्रेन करवाना चाहिए, मतलब आप जो रैबिट को बोलेंगे वही वो करेंगे। दोस्तों, रैबिट को ट्रेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से वो ट्रेन हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दो सिस्टम बताऊँगा, मतलब दो तरीके बताऊँगा रैबिट को कैसे ट्रेन करवाना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे रैबिट को ट्रेन करवाना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास मेरा चिकू है, वो ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रेंड हो चुका है, तो धीरे धीरे ये फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको भी मैं सिखाऊंगा कैसे रैबिट को ट्रेंड करवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बच्चे खरगोश एडॉप्ट करना होगा, क्योंकि बच्चे खरगोश ट्रेनिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो आप 25-30 दिन के बच्चे एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त खरगोश के बच्चे माँ का दूध इतना नहीं पीता है, मतलब वो घास वगैरह भी खाते हैं, पैलेट्स भी खाते हैं, तो इसलिए उस वक्त आप अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद उसका एक अच्छा सा नाम रखना होगा, जो भी हो अच्छा सा नाम रखिए, क्योंकि उस नाम से जब आप उनको बुलाएंगे तो रिएक्ट करेगा। तो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो चिकू है वो कितना ट्रेंड हो चुका है। तो देखिए, वहाँ पर मेरा चिकू है, आपको शायद नज़र आ रहा है, तो उनको मैं आप बुलाने जा रहा हूँ। तो चुटकी बजा रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए, ये बुलाने पर ही मेरे पास आ गया है। दोस्तों, अगर आप अपनी रैबिट को इस तरह ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, ट्रेनिंग के पहला दिन आप अपने रैबिट को आपसे करीब 4-5 फीट दूर रखिए और किसी भी बॉडी लैंग्वेज से उनको पुकारें, चाहे वो चुटकी बजाना हो, चाहे वो सीटी बजाना हो, और नहीं तो आप उनको नाम से पुकार सकते हैं। जब उनको नाम से और किसी भी बॉडी लैंग्वेज से उनको पुकारेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर दोस्तों किसी भी हालत में वो आपके पास नहीं आते हैं, तो आपको उनका जो फेवरेट फूड्स है वो आपको हाथ में रखकर उनको बुलाना होगा, ताकि वो खाने की लालच में आपके पास आए। दोस्तों, ये काम आपको रोज़ करना होगा जितना आपको समय मिले, क्योंकि दोस्तों बिना मेहनत के कुछ नहीं होते। अगर आप अपने रैबिट को ट्रेन करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा मेहनत भी करना होगा। धीरे धीरे आप डिस्टेंस को बढ़ाइए, मतलब पहला दिन आप 4-5 फीट लिया, उसके बाद 6 फीट लीजिए, मतलब इस तरह आप धीरे धीरे जो डिस्टेंस है वो बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आप अपनी रैबिट को 15 दिन तक इस तरह ट्रेनिंग देंगे तो आपका जो रैबिट है वो जहाँ पर ही रहेगा, दोस्तों आप माने या ना माने आपकी बात है, आप जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ही खरगोश आएगा। दोस्तों, अगर आप अपने दिल से और मेहनत से पूरी तरह कोशिश करेंगे तो आपको 15 दिन बाद ऐसा रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट देखकर आप इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे कि आप बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप दिल से चाहिए और मेहनत से करिए, खुदा आपको कभी नाराज नहीं करेगा। दोस्तों, इस वक्त एक खास बात बोलना बहुत जरूरी है, वो है आप अपने रैबिट को ट्रेनिंग के द्वारा कभी भी चोट मत पहुंचाइए, मतलब ट्रेनिंग के द्वारा नहीं, कभी भी आप अपने रैबिट को हार्म मत कीजिए, मतलब उनको चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप अपने रैबिट को चोट पहुंचाएंगे, मारेंगे, तो ट्रेनिंग के लिए कभी भी रेडी नहीं होगा, तो आपका जो प्लान है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने रैबिट को कभी भी चोट मत पहुंचाइए, ठीक है। दोस्तों, आपको हमने सिखाया कि रैबिट को बुलाने पर कैसे आपके पास आ जाए, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा रैबिट को अपने पास ही रहना कैसे उनको सिखाएंगे। शायद आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, मेरा जो चिकू है ये मेरे पास ही है और मेरा चारों ओर घूम रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, वो मैं आपको इस वक्त सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके जो ट्रेनिंग के लिए रैबिट चॉइस क्या है, उसको जहाँ पर आपको नज़र में आए, मतलब जहाँ पर आपको देखने को मिले, वहाँ पर ही आप उनको
उनका जो सर है और फिट है वहाँ पर हाथ बुलाइए। तो जब भी आपको उनको नज़र में आए तो तब भी आपको ये करना होगा। तो जब आप उनको पीठ पर या सर पर हाथ बुलाएंगे तो खरगोश खुद को सरेंडर करते हैं, मतलब आपके पास सौंप देते हैं, और खरगोश जो है वो रिलैक्स फील करता है। अगर आप उनको इस तरह रोज प्यार करेंगे तो खरगोश आपको जब वो देखेंगे तो उस वक्त वो आपके पास चला आएंगे। और जब तक आप उनको इस तरह पीठ पर हाथ नहीं बुलाएंगे और थोड़ा प्यार नहीं करेंगे तो आपके चारों ओर घूमता रहेगा। दोस्तों, जिस रैबिट को आप ट्रेनिंग के लिए चूज किया है उस रैबिट को बाकी सारे रैबिट से दूर रखें, क्योंकि अगर आप उन रैबिट को बाकी सारे रैबिट्स के साथ मिलने देंगे तो आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया है वो भूल जाएंगे। इसलिए आप जो इस रैबिट को ट्रेनिंग के लिए चूज किया है उनको बाकी सारे रैबिट से दूर रखिए, और उसका जो डाइट है वो अच्छी तरह आप मेंटेन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी पिलाएं, क्योंकि जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनको भी थोड़ा मेहनत होता है। दोस्तों, और एक खास बात बोलना बहुत जरूरी है, जिस रैबिट को आप ट्रेनिंग के लिए चूज किया है ट्रेनिंग से पहले उसके साथ आपके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग होना जरूरी होता है। अगर आपके साथ उसका कोई बॉन्डिंग नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है, तो आप जो ट्रेनिंग देंगे वो कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई उनको रिलेशन ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करना होगा। तो कैसे रैबिट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना होता है अगर आप वो नहीं जानते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, और नहीं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप वीडियो देखकर चले जाते हैं और बिना लाइक किए हुए, दोस्तों बहुत दुख मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बना सकता हूँ, वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा।